हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। मंजिल की राह में आने वाली रुकावटों से सीखते रहो और मंजिल की ओर अग्रसर होते रहो। यकीनन मंजिल आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी क्लासेज में एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। गुण हमने पढ़ लिए, आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष, जो नेट की दृष्टि से भी उपयोगी है और फर्स्ट ग्रेड में भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि गुण के प्रश्न आते हैं, लेकिन काव्य दोष के भी आ सकते हैं। चलिए आज दोषों की बात करते हैं। तो दोष का शाब्दिक अर्थ भी देखें हम, तो दोष यानी कोई ना कोई कमी हो किसी चीज की, तो वही तो वो दोष होता है। तो यहाँ हम काव्य के अंदर देखेंगे, साहित्य के अंदर देखेंगे, तो काव्य दोष यानी कि काव्य गुणों में रुकावट पैदा करने वाले तत्व है। जितने भी काव्य गुण है, पंक्तियों के अंदर, रचनाओं के अंदर जो काव्य गुण होते हैं, उनमें जिनकी वजह से विकृति आती है, सौंदर्य उनका नष्ट हो जाता है, या जिनकी वजह से जो काव्य गुण उनमें दोष उत्पन्न होता है, तो वही क्या कहलाते हैं, सारे के सारे तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य गुणों के सौंदर्य को नष्ट करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, काव्य दोष कहा जाता है। अब किन किन विद्वानों ने काव्य दोष के विषय में क्या क्या कहा है, उन कथनों के को पढ़ेंगे हम, और ट्रिक से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि याद हो जाए। परीक्षा में कथन बहुत बार पूछे जाते हैं, काव्य गुण और दोषों में से कथन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, और दोष भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। मुख्यार्थ हंतार दोष है, मुख्यार्थ हंतार दोष है, अर्थात मुख्य अर्थ का हनन करने वाले जो तत्व होते हैं ना, वो कहलाते हैं काव्य दोष। मुख्यार्थ हंतार दोष है यानी कि मुख्य अर्थ का हनन करने वाले, हानि पहुंचाने वाले तत्वों क्या कहा जाता है, काव्य दोष। और ये परिभाषा देने वाले विद्वान है आचार्य मम्मट। अब याद कैसे करेंगे, मुख्य अर्थ हंतार, मुख्य आ रहे हैं यहां पर, और किसने दिए, मम्मट ने दिए, तो आप इसका ट्रिक बना सकते हैं, मुख्य मम्मट। मुख्य अर्थ हंतार क्या हो जाएगा, मुख्य मम्मट। यहां हम ट्रिक बना ले, चलो इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मम्मट। मुख्य कौन है, मम्मट, मुख्य मम्मट, मुख्य मम्मट। तो मुख्य अर्थ हंतार यहां से हो जाएगा और देने वाले मम्मट, मुख्य मम्मट हो जाएगा दोष के विषय में। चलिए अगली कथन की ओर, अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। उद्वेग जनको दोष है, उद्वेग जनको दोष है यानी कि उद्वेग को उत्पन्न करने वाली जो बात होती है या उद्वेग को उत्पन्न करने वाली जो तत्व होता है, वही क्या कहलाता है, काव्य दोष कहलाता है। और इसको कहने वाले हैं रचनाकार हैं, इसके जो कथन दिया है वह जय जयदेव। अब इसको याद करेंगे, उद्वे जय, उद्वे जय, उद्वे जय, उद्वेग जय, ऐसे भी कर सकते हैं, उद्वेग जय यानी उद्वेग उत्पन्न होते ही जय, उद्वेग जय। इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, उद्वेग जय पहले हो गया मुख्य मम्मट, मुख्य मम्मट, उद्वेग जय, मुख्य मम्मट, उद्वेग जय। इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे आप 5 मिनट तो अच्छे से याद हो जाएगी, उद्वेग जय। तो उद्वेग जन को दोष, उद्वेग को उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो किसने दिया, ये जयदेव ने। अगला कथन देखते हैं। रसाप कर्षका दोषा, रसाप कर्षका दोषा यानी कि रस का अपकर्ष यानी कि हानि करने वाले जो तत्व होते हैं, रस की यानी कि आनंद की, रस का अर्थ यहां पर है आनंद, यानी कि आनंद का अपकर्ष करने वाले, आनंद की हानि करने वाले जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। और ये परिभाषा दी आचार्य विश्वनाथ ने। अब देखिए सारे जगत के अंदर रस भी भरा हुआ, रस का अपकर्ष भी भरा हुआ है विश्व के अंदर। अब आपको याद रखना है यहां पर इन चारों परिभाषा में रस यहीं पे आ रहा है, रसाप कर सका तो रस, विश्व रस विश्वनाथ ने दिए तो विश्व रस आपको याद रखना है, विश्व रस तो विश्व यानी विश्वनाथ, और रस यानी रसाप कर्षका दोषा, तो इसका सूत्र बन सकता है हमारे विश्व रस, विश्व रस, ठीक है, एक नया रस समझ में, विश्व रस। तो ये दोष यहां पर ऐसे याद रख सकते हो। अगला कथन देखते हैं। गुण विपर्याया न मानो दोषा, गुण विपर्याया न मानो दोषा यानी कि गुण के जो विरोधी तत्व होते हैं वो कहलाते हैं काव्य दोष। गुण के विरोधी तत्व,
अब किसी का विरोधी होगा तो दोष ही हो गया उसका। तो गुणों के जो विरोधी तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। और ये दिए वामन ने। तो अब यहां पर देखिए, वामन में विवाह आ रहा है और यहां पर गुण है, तो इसका बढ़ सकते हैं गुणवा, गुणवा। और तौर में क्या गुणवा है, क्या गुणवा की कमी है? गुणवा, गुण गुण विप्रिय गुण और वा यानी वामन, गुण वा, गुण यानी गुण विप्रिय और वा यानी वामन। तो इसको आप बना सकते हो इसका सूत्र गुणवा। तो मुख्य मम्मट हो गया, उद्वेग जय हो गया, विश्वरस हो गया और गुणवा, गुणवा। तो इस तरीके से चारों कथन आपको याद हो जाएंगे। ये काव्य के दोष को परिभाषित करने वाले रचनाकार है। अब देखिए, काव्य दोष के भेदों की बात करें तो विद्वानों ने समस्त जो काव्य दोष है, जितने भी काव्य दोष है, उन काव्य दोषों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? तीन भागों के अंदर विभक्त किया है। और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? देखिए, शब्द दोष, शब्द में दोष हो सकता है, शब्द के आधार पर दोष हो सकते हैं। अर्थ दोष, अर्थ के आधार पर भी दोष हो सकता है काव्य रचनाओं में। और रस दोष, रस से जुड़ा हुआ, रस से संबंधित भी दोष हो सकता है। तो मुख्य मम्मट हो गया, उद्वेग जय हो गया, विश्व रस हो गया और गुणवा हो गया। ये कथन तो चार ऐसे याद हो जाएंगे। भेदों की बात करें तो शब्द दोष, शब्द में दोष हो सकता है, अर्थ में दोष हो सकता है और रस में दोष हो सकता है। कई विद्वान वाक्य दोष भी बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। अब देखते हैं जो कौन कौन से दोष हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं हम विषयवार विस्तृत रूप से, सिलसिलेवार दृष्टि से। देखिए, पहले दोष की बात करें हम विस्तृत रूप से, तो पहला दोष लेते हैं श्रुति कटुत्व दोष। शब्द पे जाते हैं, शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं, तो श्रुति यानी सुनने में कटुत्व जो लगता है, यानी जो सुनने में ही जो कटु लगता है, कड़वा लगता है, वही क्या है? दोष। यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष। तो देखिए, सुनने में कटु लगना, यानी कोई काव्य पंक्ति आ गई, उसमें कुछ ऐसा शब्द है या ऐसा वर्ण है, ऐसी ध्वनि है जो सुनने में हमें कटु लग रही हो, तो वहां पर हम श्रुति कटुत्व दोष करने का सोच सकते हैं। अब कैसे कैसे करना है, अगर क्या परिस्थितियां हो तो फिर हम श्रुति कटुत्व दोष करते हैं, वो देखते हैं। तो सुनने में कटु लगना अर्थात वे ध्वनियां या वे वर्ण जो कोमल भाव वाली पंक्तियों में सुनने में कटु या कड़वी लगे। कोमल भाव वाली पंक्तियां है जिसमें शांत रस हो गया, करुण रस हो गया, वात्सल्य हो गया, भक्ति रस हो गया, इनकी कोई पंक्तियां और इनके अंदर ऐसे वर्ण आ गए कटु वर्ण जो सुनने में कटु लग रहे हैं, तो वहां पर वो दोष कहलाएंगे। देखते हैं विशेष बातें। कटु ध्वनियों में प्राय टै और तैवर गाता है। अब कौन सा आता है? टै या तैवर गाता है कटु ध्वनियों में। आगे देख, श्रृंगार इन विशेषताओं को आप ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार, करुण, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। श्रृंगार, करुण, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस, अगर इनसे युक्त पंक्तियों में, अगर इन रसों से युक्त पंक्तियां और उनके बीच में अगर टय या तवर नहीं होना चाहिए, अगर आ जाता है तो वहां पर होगा श्रुति कटुत्व दोष। इन रसों से संबंधित कोई पंक्तियां हैं, ये जो शांत रस है, वात्सल्य, भक्ति, इन रसों से संबंधित कोई पंक्तियां और उनके बीच में अगर टय या तवर आ जाता है तो वहां पर होगा श्रुति कटुत्व दोष। अगर वीर, भयानक, विभत्स, रौद्र, इनमें तो टय या तवर ही आते हैं, कठोर वर्ण ही आते हैं। अगर वीर, भयानक, विभत्स और रौद्र इनमें अगर टय या तय वर्ग आता है ना, ये ध्वनि आती है, तो वहां पर वो दोष न कहलाकर क्या बन जाएगा? काव्य गुण का कारण बन जाएगा, क्योंकि इनके अंदर तो यही आते हैं, कटु वर्ण ही आते हैं, तो यहाँ पर ये दोष काव्य दोष न होकर काव्य गुण का कारण बन जाएगा। अब आपको श्रुति कटुत्व दोष कब करना है? जब श्रृंगार की, शांत की, वात्सल्य, भक्ति रस युक्त पंक्तियां हैं और उनके अंदर ये कठोर वर्ण आ जाते हैं, टैवर्ग टैवर्ग, जो सुनने में कटु लग रहे हो, कोई शब्द कड़वे लग रहे हो, तो वहां पर होगा श्रुति कटुत्व दोष। उदाहरण देखते हैं। कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसिके हंसिके, कटर कटर तंडुल चबात हीरा चटकात हरी रुक्मिणी महारानी के। तो यहां पर देख लिए, कटर कटर तंडुल, हीरा चटकात, तो ये चटकात, कटर कटर तंडुल, ये सुनने में ही हमारे
कानों को बिल्कुल कड़वा सा लग रहा है, कटु सा लग रहा है, एक ठक से कुछ जैसे कील ठोकी हो कानों के अंदर, उस तरीके से लग रहा है। तो सुनने में शांत वात्सल्य करुण इन पंक्तियों के अंदर सुनने में अगर कोई शब्द या कोई वर्ण जो कठोर वर्ण है वो आ जाए वहां पर, तो वहां पर आप करोगे श्रुति कटुत्व दोष। तो शुक्रिया दोस्तों, आज की कक्षा में हमने बात की किन किन विद्वानों ने काव्य दोष के विषय में क्या कहा, काव्य दोष के कितने भेद माने गए हैं, और आज सबसे पहले हमने पढ़ा है श्रुति कटुत्व दोष। अगली कक्षा के अंदर जितने भी दोष है वो सारे हम समाहित कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।